हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रिया एंड वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल दी स्टडीज़। फ्रेंड, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस। फ्रेंड, ये जो वीडियो है ये फोर्थ नंबर वीडियो, बाकी तीन वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है जिसमें 20 क्वेश्चंस है। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर उस वीडियो को भी देखिएगा। एंड नाउ इसके साथ हमारा पहला क्वेश्चन है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? तो फ्रेंड, यहाँ पे इसका आंसर होगा CPU, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। तो इसे क्या होता है कि कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, जबकि रैम जो होता है यह मेमोरी होता है जो कि डेटा को परमानेंटली स्टोर नहीं करता है, और जो डेटा इनपुट है ये भी नहीं होगा सेकेंडरी स्टोरेज। फ्रेंड, यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज जो है ये जो डेटा को होता है एक्सटर्नल मेमोरी के माध्यम से स्टोर किया जाता है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो फ्रेंड, यहाँ पे चार आंसर हैं जिसमें से चार ऑप्शंस हैं। यूनिक्स, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम है ही, विंडोज़ भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे जो MS वर्ड है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वह MS वर्ड होगा, जो कि यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि किसी भी स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए डिज़ाइन किया जाता है। फ्रेंड, सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डेटा अंतरित करने की अनुमति देता है? तो फ्रेंड, जो टेलीफोन लाइन के माध्यम से डेटा को कम्युनिकेट करने की अनुमति देता है, इसमें चार ऑप्शंस हैं, कुंजी पटल यानी कीबोर्ड ये भी नहीं है, CPU ये भी नहीं है, मॉडेम। फ्रेंड, जो मॉडेम होता है, तो फ्रेंड ये मॉडेम मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर का कम्बिनेशन होता है, और जो क्या करता है कि डेटा को टेलीफोन लाइन के माध्यम से कनेक्ट करके कम्युनिकेट करने की अनुमति देता है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेटीएम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? तो फ्रेंड, यहाँ पे इसका आंसर होगा मोबाइल चिप ये भी नहीं होगा, कंप्यूटर चिप ये भी नहीं होगा, कंप्यूटर ये भी नहीं। फ्रेंड, माइक्रो प्रोसेसर जो होता है पेटीएम ब्रांड के नाम से, इसका जनरेशन जो भी आता है पेटीएम ब्रांड के नाम से ही आता है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले जनरेशन के कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया गया था? फ्रेंड, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें डायोड वाल्व का यूज़ किया गया था, डायोड वाल्व, और सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, और थर्ड में IC का प्रयोग किया गया था। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपम क्या है? तो फ्रेंड, जो अनुपम है एक सुपर कंप्यूटर है, अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विकसित परम कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो फ्रेंड, जो भारत में सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया था उसे CDAC ने बनाया था, जो कि बेंगलुरु में है। फ्रेंड, IIT कानपुर, ये बाकी ऑप्शंस गलत हैं, इसका CDAC ही होगा। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो फ्रेंड, यहाँ पे जो आंसर होगा वो है बीट। तो फ्रेंड, जो बीट है कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है। और नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पैम के विषय से क्या संबंधित है? तो फ्रेंड, जो स्पैम किससे संबंधित है? फ्रेंड, यहाँ पे जो स्पैम होगा वो कंप्यूटर से संबंधित है। फ्रेंड, जब भी कोई हमारा मैसेज आता है और वो अनवांटेड मैसेज होता है तो क्या होता है कि स्पैम में स्टोर हो जाता है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा की प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः एकक है? तो फ्रेंड, यहाँ पे जो बीट प्रति सेकेंड है ये इसका आंसर होगा, बीट प्रति सेकेंड। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? तो फ्रेंड, हम जानते हैं कि प्रोग्राम इज ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा प्रोग्राम। जो प्रोग्राम होता है इंस्ट्रक्शन का समूह होता है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड, अस्थायी यानी जो मतलब जो परमानेंट नहीं होता है, परमानेंट मेमोरी जो नहीं होती है, तो फ्रेंड यहाँ पे जो होगा वो है रैम। रैम क्या होता है कि इसमें जो डेटा होती है अस्थायी रूप से स्टोर होती है, और अस्थायी रूप से अगर स्टोर करना है तो उसे हम रोम में सेव करते हैं, जो कि होता है रीड ओनली मेमोरी। फ्रेंड, रोम में कभी भी हम राइट नहीं कर सकते हैं, बस उसे रीड कर सकते हैं। और CPU के बारे में मैंने बताया ही था, और CD क्या होता है कि इस कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो फ्रेंड, यहाँ पे जो आंसर होगा वो है बेसिक। फ्रेंड, बेसिक का जो फुल फॉर्म है वो है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन इसका फुल फॉर्म है।
एंड फ्रेंड यहाँ पे जो फोर्ट्रान है वो फोर्थ लैंग्वेज का जो हाई लेवल लैंग्वेज है इसके उसमें आता है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीआरटी का पार्ट नहीं है? तो फ्रेंड यहाँ पे जो आंसर होगा वो है गैस प्लाज्मा। फ्रेंड सीआरटी से बना होता है, तो फ्रेंड ये सीआरटी का एक बेसिक फिगर है, ऐसा ही होता है। और इसमें जो पार्ट होते हैं फास्फोरस भी पाए जाते हैं, छाया कपद अच्छा और इलेक्ट्रॉन गन भी पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन गन जो होता है फ्रेंड यहाँ पीछे लगा होता है जिसमें से लाइट को क्या करता है फ्लो करता है, और गैस प्लाज्मा इसका पार्ट नहीं है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कंप्यूटर की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? तो फ्रेंड यहाँ पे जो आंसर होगा वह है बग। जो बग होता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में एरर को हम बग कहते हैं। और फ्रेंड जो चिप तो आप लोगों को पता ही है, बाइट कंप्यूटर का जो बाइट जो होता है कंप्यूटर के मापने की इकाई होती है, और बिट सबसे छोटी इकाई होती है कंप्यूटर में जो डेटा होता है उसके मापने की। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसी चिप का निर्माण किया जाता है? तो फ्रेंड जो आईसी चिप होती है वो सेमी कंडक्टर की बनी होती है। तो फ्रेंड यहाँ पे फाइबर से नहीं होता है, प्लास्टिक से भी नहीं होता है, यहाँ पे जो आंसर होगा वो सेमी कंडक्टर से होगा। फ्रेंड हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं? तो फ्रेंड जो हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है वो एक प्रकार का प्रोग्राम ही होता है। तो फ्रेंड ये पे चार ऑप्शन है, देखते हैं कौन सा आंसर इसका होगा। तो फ्रेंड जो आंकड़ों को, उपकरणों को, प्रोग्रामों को और हार्डवेयर को, तो फ्रेंड जो कंप्यूटर वायरस होता है वो प्रोग्राम को क्या करता है कि नष्ट कर देता है, जो भी हमारे जो प्रोग्राम होते हैं उसमें एरर आ जाते हैं। और इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड यहाँ पे जो आंसर होगा वह है 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। फ्रेंड 8 मार्च को आप लोगों को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? तो फ्रेंड सबको पता है कि कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। तो फ्रेंड यहाँ पे जो कंप्यूटर का प्रकार नहीं है तो उसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों कंप्यूटर के प्रकार हैं, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। फ्रेंड जो डिजिटल और एनालॉग से मिलकर के क्या बनता है, हाइब्रिड बनता है, उसके दोनों के कंबाइंड रूप को ही हम हाइब्रिड बोलते हैं। हाइब्रिड का मतलब ही होता है कि दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोलॉग किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, कंप्यूटर लैंग्वेज है? तो फ्रेंड यहाँ पे जो प्रोलॉग है वह फिफ्थ जनरेशन का लैंग्वेज है। तो फ्रेंड यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चन थे जो कि किसी भी कोई भी एग्जाम जहाँ पे कंप्यूटर पूछा जाता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड थैंक।